अंतरिक्ष में इतिहास रचने वाली महिला एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स अब कैसी हैं? स्पेस में उनकी सेहत पर क्या क्या असर पड़ रहा है? पूरी दुनिया में ये सवाल कौन रहे हैं? और इन सवालों को बल मिला उस तस्वीर से जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से आई। उस तस्वीर में ऐसा क्या है जिसके चलते ये दावा किया जाने लगा कि सुनीता विलियम्स की तबीयत खराब हो गई है? ग्रीटिंग्स फ्रॉम द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। आई एम नासा एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स and I want to extend my warmest wishes for a happy Diwali to everyone celebrating the Festival of Lights today at the White House and around the world. 1 नवंबर को धाकड़ एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स ने धरती के पार से दिवाली बधाई संदेश भेजा था। उस वीडियो में सुनीता विलियम्स के हाव-भाव और चेहरे में कोई खास बदलाव नहीं दिखा। लेकिन अब आईएसएस से आई सुनीता विलियम्स की एक लेटेस्ट तस्वीर ने दुनिया को हैरत में डाल दिया है, क्योंकि इस तस्वीर में सुनीता विलियम्स काफी दुबली पतली नजर आ रही हैं और वजन भी काफी कम दिख रहा है। अंतरिक्ष में फंसी सुनीता विलियम्स को अचानक हुआ क्या? क्या बीमारी के चलते तेजी से घटने लगा वजन? भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स से जुड़ी छोटी छोटी खबर भी दुनिया में बड़ी हेडलाइंस बन जाया करती हैं। और जब सवाल उनकी सेहत से जुड़ा है तो फिर दुनिया का चौंकना लाजमी। नासा और उनके डॉक्टर्स भी सुनीता विलियम्स की तबीयत को लेकर टेंशन में आ गए। आईएसएस में अपने साथी एस्ट्रोनॉट बुच विलमोर के साथ बैठी सुनीता के चेहरे में मुस्कान जरूर है, लेकिन वो फिजिकली काफी वीक दिख रही है और ऐसा बदलाव बहुत कम वक्त में रिकॉर्ड किया गया। इसी साल 5 जून को जब सुनीता ने अंतरिक्ष की ओर उड़ान भरी थी तब वो काफी फिट लग रही थी, चेहरा भरा हुआ था। बड़ी उम्मीद के साथ वो अपने मिशन पर गईं, मगर अब उनकी सेहत में काफी बदलाव दिख रहा है। गाल भी धंसे हुए दिखाई दे रहे हैं। इस पर नासा ने बयान जारी कर हालात की जानकारी दी। नासा के प्रवक्ता जिमी रसेल ने बताया, सुनीता विलियम्स और उनके साथ आईएसएस पर मौजूद सभी अंतरिक्ष यात्री ठीक हैं और नियमित मेडिकल जांच से गुजर रहे हैं। उनकी स्वास्थ्य की जांच फ्लाइट सर्जन कर रहे हैं और सभी का स्वास्थ्य अच्छा है। सुनीता विलियम्स को यूं तो 8 दिन में ही वापस धरती पर लौटना था, मगर स्पेसक्राफ्ट में आई तकनीकी खामी के चलते सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में ही फंस गई। नासा के प्लान के मुताबिक अब वो फरवरी में लौटकर वापस आएंगी। ऐसे में स्पेस में सुनीता और उनके सहयोगी की सेहत को लेकर कई सवाल कौनने लगे। स्पेस में लंबे वक्त तक रहने से हड्डियों और मांसपेशियों में कमजोरी आ जाती है, नजर भी कमजोर हो सकती है, रेडिएशन से कैंसर होने का खतरा भी बढ़ सकता है। हालांकि इन सब खतरों को सुनीता विलियम्स कई बार मात दे चुकी हैं। स्पेस वॉक करने वाली वो पहली महिला अंतरिक्ष यात्री हैं। ऐसे में उम्मीद यही है कि भारत की ये बेटी एक बार फिर इतिहास रचकर लौटेगी। टीम न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।